बार किसी पार्टी ने खुलकर कहा है, उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हम संविधान को बदल देंगे, रद्द कर देंगे, हार के फेंक। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हिंदू हिंसक होते हैं, अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। संविधान, हिंदू और हिंदुत्व, शोर हंगामे और नारों के इन जंग के बीच में इन शब्दों की गूंज साफ सुनी जा सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी इन शब्दों का असर साफ दिखाई दिया और इसीलिए ये लड़ाई आगे और तेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि यूपी में राहुल अखिलेश की जो जोड़ी है और उस जोड़ी को पिछड़ा दलित गठजोड़ का पूरा फायदा मिला, तो महाराष्ट्र में भी इसका असर कम नहीं। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने, तो इंडिया गठबंधन इसी के सहारे बीजेपी को चुनावी चौसर पर मात देने के लिए रणनीति बना रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की तैयारी भी अब सिर्फ हिंदुत्व पर टिकी होने की बजाय, या उसके आसार नजर नहीं आ रहे हिंदुत्व पर टिकी होने के बजाय, अब वो जाति बंधन के पूरे फॉर्मूले को सोशल इंजीनियरिंग के नायाब चोले में ओढ़कर वोट साधने की ओर बढ़ती दिख रही है। और बीजेपी तो स्ट्रेटेजिस्ट है ही, नई रणनीति बनाने की जरूरत भी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नई रणनीति बनाती नजर भी आती है। आप ये मत समझिए कि ये लड़ाई नई होगी, लड़ाई वही है, दशकों पुरानी और तब से चली आ रही है, जब से कहा गया कि मिले मुलायम काशीराम हो गए हवा जय श्री राम। तो गांव के गलियारों से निकलकर राजनीति की गलियारों में गूंज रहे इस शोर को डीकोड करेंगे हम आज पॉलिटिकल कॉरिडोर। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज बताऊंगी आपको कि 400 पार का नारा दे रही बीजेपी 240 पर सिमटने के बाद क्या तैयारी कर रही है, और दूसरी ओर कैसे इंडिया गठबंधन पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की तिकड़ी को फेविकॉल के मजबूत जोड़ में बांधकर तीनों राज्यों में अपनी जीत की नींव मजबूत करने में जुट गई है, और क्या इन चुनाव में पक्ष विपक्ष की ताकतें हैं और कमजोरियां होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि आने वाले महीनों में कहां कहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए जोर आजमाइश करने जा रहे हैं और रणनीति उसकी पूरी अपने अपने लिहाज से तैयार हो चुकी है। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर और झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जो बेहद महत्वपूर्ण होंगे और उस पर क्या रणनीति बनेगी या बन रही है या बन चुकी है वो भी बेहद रोचक होगी, क्योंकि हार जीत का स्वाद इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों चख चुकी है। और ये तीनों ही चुनाव बेहद दिलचस्प हैं, जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि ये चुनाव ना सिर्फ लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन और एनडीए की अग्नि परीक्षा लेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आने वाले दिनों में सियासत के मुद्दे क्या रहने वाले। लोकसभा चुनाव से पहले
आपको याद होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी शिखर पर थी, और ये वही बीजेपी है जो परसेप्शन की राजनीति रणनीति पर बहुत काम करती है। और यही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव जीतने के बाद 2024 के चुनाव से पहले जो देश भर में बीजेपी ने परसेप्शन सेट किया था, उसी की तैयारी एक बार फिर है, बस चुनाव के बाद, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद का परसेप्शन। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में राजस्थान के नतीजे ने बीजेपी को भी चौंका दिया था, यह एक अलग बात है। विधानसभा चुनाव के चंद महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने राजस्थान की 11 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है। और इसी मुस्कुराहट की वजह, इसके पीछे जो छुपी हुई वजह है, वो है राजस्थान चुनाव के नतीजे। राजस्थान में बीजेपी जिन सीटों पर हारी है, आप इसे गौर फरमाइएगा, क्योंकि हम इसी दिशा में इस पूरे शो को आगे ले जाने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी जिन सीटों पर हारी है, उसमें 4 सीटें जाट बाहुल्य, 2 सीटें मीना बाहुल्य और 1 सीट आदिवासी बाहुल्य है। अब हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, आगे बढ़ते हुए आपको पूरी चीज समझ आएगी। यानी साफ तौर पर बीजेपी का हिंदुत्व यहां जातियों के गणित में ऐसा उलझा कि जीत का जायका 30 में बदल गया। महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को यही उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक और महायुति में बीजेपी की अगुवाई तले एनसीपी, शिवसेना के अलावा एमएनएस, प्रहार जनशक्ति पार्टी, स्वाभिमानी पक्ष और जन सुराज्य शक्ति पार्टी और साथ में आरएसपी हैं, तो दूसरी ओर महाविकास अगाड़ी में कांग्रेस के साथ एनसीपी जो कि शरद गुट है और शिवसेना जो कि उद्धव गुट है और उसके अलावा समाजवादी पार्टी और पीडब्ल्यूपी पार्टी शामिल। देखने में ये लड़ाई बेहद सीधी और आमने सामने लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए इस लड़ाई में चुनौतियां दोनों ओर बराबर की हैं, और इसीलिए कौन क्या तैयारी कर रहा है ये बताने से पहले आपको चुनौतियां बता देते हैं। तो महाराष्ट्र में चुनौतियों का जिक्र सबसे पहले एनडीए गठबंधन यानी महायुति से, जो फिलहाल वहां सत्ता पर काबिज तो है, लेकिन अब जो चुनाव होंगे उसमें क्या रणनीति रहने वाली। महाराष्ट्र में महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। वो साथ में हैं, लेकिन अपनी अपनी चुनौतियां फेस कर रहे हैं, और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हुए वो इन्हीं चुनौतियों का एक छोटा दृश्य था। अब विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है वो देखना बहुत रोचक होगा। अब देखिए, बीजेपी की चुनौती ये है कि उसे अपनी जीत का ग्राफ बनाए रखना, हिंदू वोट बैंक को भी अपने साथ बनाए रखना है, शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने के दाग जो उनके ऊपर लग चुका है उसे धोना है, मराठा आंदोलन की आंच धीमी रखनी है, तो साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है जातीय समीकरण भी साधना है। महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अपनी मूल पार्टी से अलग होकर, बेशक एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने मूल पार्टी का तमगा पा लिया, लेकिन जमीन पर वोटर के मन में अब भी वो जगह नहीं बना पाए। उल्टा उनके इस कदम से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए सहानुभूति की एक लहर पैदा हो गई है। अब देखिए, मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है, महायुति के सामने चुनौतियों की दीवार खड़ी है। और क्यों इसमें हमने आपको राजस्थान से कनेक्ट किया, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल महाराष्ट्र को 6 प्रशासनिक विभागों में बांटा जाता है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति को आपको समझना है तो ये जो अब मैं बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। 6 प्रशासनिक विभागों में महाराष्ट्र को बांटा जाता है और हर रीजन में सियासी गणित दूसरी जगह से एकदम अलग है। अब आप देखिए, कोंकण डिविजन की बात करते हैं जिसमें मुंबई भी शामिल है, और इस रीजन में बीजेपी, शिवसेना जो कि उद्धव गुट वाली शिवसेना, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, एमएनएस और कांग्रेस सबकी दावेदारी है। फिर औरंगाबाद की बात करते हैं।
औरंगाबाद में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहता है। पुणे में शरद पवार और अजीत पवार अब आमने सामने होंगे। नासिक में एमएनएस और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अलावा एनसीपी भी मजबूत है। तो नागपुर यानी विदर्भ रीजन में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहती आई है, जबकि अमरावती में प्रहार पार्टी का असर माना जाता है। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, यानी अब जैसे बता देते हैं कि ये इनमें कौन से वो जगह आती हैं, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, अन्नानगर और सोलापुर जैसे 7 जिले, और 7 जिलों में बीजेपी और महायुति गठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाले रहे हैं हमेशा। और इन दिनों क्षेत्र में 8 लोकसभा सीटों में से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई, और इसका बड़ा कारण रहा मराठा आंदोलन। बेशक लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में महायुति पर भारी पड़ी, लेकिन महाविकास अघाड़ी के लिए विधानसभा में जीत का वही सिलसिला बनाए रखना बड़ी चुनौती होने वाला है। पहली बड़ी चुनौती आपको बताते हैं, पहली बड़ी मुश्किल तो एकजुटता, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, एकजुटता को बनाए रखने का है। अब जिसमें एमएलसी चुनाव में बिखराव नजर आया, क्रॉस वोटिंग की वजह से यहां बीजेपी एनडीए का 9वां उम्मीदवार जीतने में कामयाब रही। अब दूसरी मुश्किल है हिंदुत्व पर राहुल गांधी के हमले, जो कि शिवसेना के कोर वोटर को असमंजस उनकी बढ़ा सकता है। अब तीसरी बड़ी चुनौती, चुनाव का चेहरा, उद्धव की दावेदारी पर शरद पवार की एनसीपी अभी से ही एकमत दिखाई उसमें नहीं दे रहा, और फैसला चुनाव के बाद के नतीजों पर छोड़ने का कहा जा रहा है। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पार्टी टूटने की जो सहानुभूति मिली, विधानसभा चुनाव में भी वो यूं ही बनी रहे ये कहना मुश्किल है। साथ ही आरक्षण खत्म किए जाने का जो नैरेटिव इस बार के चुनाव में ही हावी होगा, इसका पहले भी था जिस वजह से नतीजे आए, अब इस बार भी वो हावी रहेगा, इसको लेकर भी कोई गारंटी नहीं है, संशय नजर आता है। क्योंकि अब बीजेपी इसे काउंटर करने की तैयारी कर चुकी है। अब आप देखें, हम आते हैं, ये महाराष्ट्र का जिक्र किया, अब हम आते हैं हरियाणा, हरियाणा की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे। हरियाणा और झारखंड में भी दोनों सियासी खेमों की चुनौतियों में कोई कमी नहीं, दोनों के पास जैसा मैंने कहा कि चुनौतियों की मीनार है। और जब परसेप्शन की हम बात करते हैं तो दोनों, इंडिया गठबंधन और एनडीए, दोनों के लिए इन तीनों राज्यों में जीत दर्ज कराना उस परसेप्शन की लड़ाई, जीत की लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में, क्योंकि ये तय करेगा, जैसे ही नतीजे आएंगे तय करेगा कि आगे की सियासी हवा किस ओर मुड़ेगी और किसकी तरफ, किसको सपोर्ट करते हुए होगी। अब हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में लगातार 2 बार सरकार बनाकर भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में यहां अपनी पिछली जीत के आधे पर सिमट गई, तो वहीं झारखंड में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और इसके पीछे भी बड़ी वजह क्या है, वही संविधान को लेकर जो नैरेटिव विपक्ष सेट कर पाई, और आरक्षण जैसे मुद्दे जो कांग्रेस पर लगातार, कांग्रेस उस पर जोरदार अटैक करती रही, कांग्रेस का जोरदार अटैक शामिल रहा, तो ये दोनों जो नैरेटिव सेट हुए बीजेपी के विरोध में गए। अब वहीं दूसरी ओर बीजेपी पिछड़े दलित और आदिवासी वोटर्स को अपने साथ साधने में नाकाम रही, और सही मायने में अगर झारखंड में बात करें तो ये पूरा तबका अभी जेएमएम के साथ है। यानी वहां के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जेएमएम का जो चुनाव शुरू होता है वो 40% वोट तो उसके साथ ही है, जो वहां के वोटर्स हैं, चुनाव शुरू ही 40% जो वोटर्स हैं वो जेएमएम के साथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के पास, पहले भी जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा था, यानी बीजेपी को अब नए सिरे से अपनी तैयारी करनी होगी, कैसे वो सेंधमारी करेगी जेएमएम के वोटर्स में, और जिसके लिए पार्टी कमर कस चुकी है ये जाहिर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रणनीति और तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ती, उसके लिए चुनाव वॉर की तरह। अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान खत्म किए जाने जैसे नैरेटिव ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो अब इसका काउंटर नैरेटिव तैयार कर लिया गया, इमरजेंसी की
याद दिलाते। और बीजेपी को पता है, आप कोई बॉल उसके पाले में डालते हैं तो वो सिक्स यानी कि बाउंड्री से बाहर। और ठीक वैसे ही कि वो जो संविधान का नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया, अब उसकी तोड़ ढूंढ ली है बार बार। 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो इमरजेंसी के लिए मौन रखा, इमरजेंसी की याद दिलाई, और बीजेपी संविधान खत्म किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस को अब बैकफुट पर धकेल रही है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, अमित शाह इसकी अपील कर चुके हैं, और हर साल मनाया जाएगा। यानी इसके जरिए बीजेपी कांग्रेस को संविधान विरोधी साबित करने की कोशिश कर रही है, नैरेटिव सेट कर रही है कि वो विपक्ष, वो कांग्रेस जो संविधान बचाने का जिक्र कर रहा है, वो तो संविधान की हत्या पहले कर चुका है, और अगर अब वो सत्ता में आता है तो आप देख लीजिए क्या हो। इसीलिए 25 जून का जिक्र राष्ट्रपति भी करते हैं, 25 जून का जिक्र स्पीकर ओम बिरला भी करते हैं, और बीजेपी की लीडर्स तो लगातार कर रहे हैं। और साथ ही साथ आरक्षण, जो एक बड़ा मुद्दा था लोकसभा चुनाव में, आरक्षण खत्म किए जाने के आरोपों को भी काउंटर कर रही है। इसके साथ ही ओबीसी वोटर्स को दोबारा अपने साथ पूरी तरह से एकजुट करने के लिए बीजेपी का थिंक टैंक पूरी तरीके से एक्शन मोड में। और आपने देखा होगा लगभग 100 दिन का समय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 125 दिन 100 दिन जो उनके डायनेमिक होने वाले हैं बड़े फैसले, उसमें से लगभग एक महीना नरेंद्र मोदी 3.0 का पूरा हो चुका है। अब उस 3.0 में किसानों को लेकर भी लगातार बयान हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। एमएसपी पर अगर पहला फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया तो किसानों को लेकर किया। अब इसको अगर पॉलिटिकली समझें तो हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगह किसान को लेकर बड़ा बाहुल्य इलाका है, किसान बाहुल्य इलाका, तो सीधा इम्पैक्ट वहां पर। तो हर एक मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी जो कमियां रही हैं लोकसभा में उसको सुधारने की एक्शन लग चुकी है उस मोड में। अब बीजेपी का फोकस उन सीटों पर भी है जहां उनका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बेहतर नहीं रहा, और बीजेपी हमेशा अपनी जो कमजोर चीजें हैं, कमजोर तरीके हैं या कमजोर सीटें रही हैं वहां पर फोकस रहता है। यानी वो सीटें जहां पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ा, उन सीटों पर हार की वजह तलाशी जा रही है और उस पर काम किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सतीश पूनिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान के अध्यक्ष रह चुके हैं, जाट हैं, अब उनको प्रभारी बनाया। भले ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है हरियाणा की, अगर हम बात करें तो वहां पर जाट वर्सेस ऑल हमेशा से ये रणनीति रही है, लेकिन फिर भी प्रभारी नियुक्त किया गया जाट। इसके अलावा कांग्रेस के बड़ी जाट नेता, ये मान सकते हैं किरण चौधरी, उनको अपने पाले में लिया गया। तो भले ही जाट वर्सेस ऑल की राजनीति में आप हैं, लेकिन फिर भी आप वो सॉफ्ट कॉर्नर जाटों के अंदर, किसानों के अंदर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया, सतीश पूनिया को प्रभारी नियुक्त किया गया और उनकी मदद के लिए सुरेंद्र सिंह नागर यानी सह प्रभारी उनको बनाया गया है। पूरे जातीय समीकरण आप समझिएगा। अब झारखंड का जिक्र करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को प्रभारी बनाया है, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव, जिन्हें थिंक टैंक और सोल्जर और इस तमाम तरीके की बात करते हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, उनको प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि जहां जहां वो गए वहां वहां पर उन्होंने कमल खिलाया है, उनका इतिहास रहा। और साथ में अश्विनी वैष्णव जो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं वो नरेंद्र मोदी को पता है, तो अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश में भी सहप्रभारी बनाया गया था जब चुनाव थे, तो वैसे ही अश्विनी वैष्णव को बीजेपी सहप्रभारी नियुक्त किया, अपने बेस्ट सोल्जर्स उतारे। अब देखिए, बीजेपी की ये टीम आने वाले विधानसभा चुनाव में इन तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव का जिम्मा संभालेगी। तैयारियों को करीब से देखकर ये समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से मूड में है, तैयारी है, स्ट्रेटेजी है, सब कुछ तैयार हो चुका है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनावी दंगल में उतरने के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से सबक भी लिया और सबक लेते हुए ही रणनीति भी तैयार की। और कहते हैं, जंग कितनी भी मुश्किल हो पर राजा चतुर हो और सेनापति कुशल हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती या बड़ी से बड़ी सेना को भी हराया जा सकता है। राजनीति की इस जंग में भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है, यानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की कुशल रणनीति। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेहरा जो ताकत था पार्टी का, जिसकी वजह से आज बहुमत में भी पूरी एनडीए आई है और सरकार बनी है, तो वही कमजोरी भी थी। क्यों? क्योंकि चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर इतने डिपेंडेंट हो गए थे कि उन्होंने जमीन पर काम नहीं किया। और इस पर भी चर्चा पार्टी के अंदर हुई है कि कार्यकर्ता को जमीन पर अब इन तीन चुनाव में निकलना होगा। कई बार आप अपने जो सीनियर लोग होते हैं उन पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप मेहनत करना ही छोड़ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी है वर्कर्स। फिर अमित शाह का जिक्र हुआ, अमित शाह की कुशल रणनीति, और वैसे भी उनका बहुत इंटरेस्ट है चाहे फिर महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि जब महाराष्ट्र की राजनीति बदली, जब पार्टियों में दो गुट हुए जैसे कि शिवसेना में जैसे कि एनसीपी में, तब अमित शाह सबसे पहले मातोश्री में बैठे थे। और फिर जो खटपट हुई उद्धव ठाकरे के साथ, तब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब भी वो उद्धव ठाकरे को दो टूक कह के आए थे कि मैं भारत की देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और उसी के बाद तमाम गतिविधियां हुई जो आपके सामने। तो अब बात यह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी सतर्क है और नतीजों से सीखने के बाद काम पर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, अमित शाह की रणनीति और बीजेपी आरएसएस का मजबूत संगठनात्मक ढांचा और कार्यकर्ता, ये सब मिलाकर अगर एक हो जाते हैं तो ये एक चक्रव्यूह तैयार करने का हुनर जानते हैं जिसमें विरोधी दल फंस कर रह जाते हैं। ये बात अलग है कि विपक्ष कह रहा है कि आरएसएस अब उस तरीके से साथ नहीं होगा, इसीलिए सबकी नजर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, क्या संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन शायद आरएसएस और बीजेपी के बीच की जो दूरियां नजर आ रही थी अब उसे मेंड कर लिया गया है। पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और अब आरएसएस बीजेपी ने कमर कस ली। साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार का नारा, और ये काम किया है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे विधानसभा में उसी पार्टी का विधायक होगा जो पार्टी केंद्र में है तो काम अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि हमें विकास और काम से मतलब है, हमें सड़क से मतलब है, बिजली से मतलब है, पानी से मतलब है। तो ये जो डबल इंजन की सरकार का नारा है ये हर जगह कारगर होता है, अब बीजेपी की विजय मार्ग का उसको प्रशस्त करने में काम भी आता है। अब ये सब एक्शन मोड में आ चुके हैं। बेशक लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंबर कुछ कम रह गए और इस शोर में एक महत्वपूर्ण बात छूट गई जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया में भी किया। लेकिन बीजेपी के लिए ये जीत उम्मीद की कितनी बड़ी किरण है ये आप रूस में, जैसा मैं जिक्र कर रही हूँ, रूस में प्रधानमंत्री की बातों से सुनकर समझिए। इस चुनाव के समय चार राज्यों में भी चुनाव हुए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा, और इन चारों राज्यों में एनडीए क्लीन स्वीप बहुमत के साथ विजयी हुआ। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की और सीटें 41 से बढ़कर 46 हो गई, और उड़ीसा में पूरी तरह तख्ता पलट हो गया। नवीन पटनायक का किला पूरी तरह ध्वस्त करते हुए बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं की आंखों में जीत के सपने रंग भर रहे हैं। और पूरी बात अगर करें तो दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास भी उत्साहित होने की कई वजह है, और ये उत्साह राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बातों में भी साफ झलक रहा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बेशक 99 सीटें मिली, लेकिन वो इस हार में अपने लिए बड़ी जीत देख रहे हैं। एक ऑक्सीजन की तरह वो सोच रहे हैं कि अब सब कुछ बहुत अच्छा है, पार्टी के भीतर एक नया जोश नजर आ रहा है और कांग्रेस राहुल गांधी को नए अवतार में पेश कर रही है, जो पूरे विपक्ष की ओर से मोदी शाह के मुकाबले जो सामने कंपटीशन जो है वो राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव क्या है, रागा फाइंड्स रिदम। अब ये सिर्फ कहने भर का नहीं रहा, संसद में राहुल गांधी ने जिस अंदाज में नेता विपक्ष की भूमिका निभाई वो आने वाले दिनों में उनकी आक्रामकता को साफ दर्शा रहा है। राहुल के इस नए अवतार जो कांग्रेस ने अब दिया है उन्हें जनता की आवाज यानी द वॉइस ऑफ पीपल के तौर पर पेश कर रही है।
संसद का सत्र खत्म हो चुका, लेकिन आमतौर पर इनकंसिस्टेंट कहे जाने वाले राहुल लगातार एक्शन मोड में हैं। मणिपुर से लेकर हाथरस और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर वो खुलकर लोगों की बात रख रहे हैं और ये भरोसा जता रहे हैं उनको बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी उनके हितों की अनदेखी होगी, राहुल गांधी चट्टान के अंदाज में उनके साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरी ओर प्रियंका गांधी के तेवर भी बदले हुए हैं और अब जब वो तैयार हैं ग्रीन कार्पेट पे आने की और उम्मीद है पूरी कांग्रेस को कि जो प्रियंका गांधी है वो जीतेंगी ही, तो वायनाड से अपना पहला चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रियंका जब सदन में पहुंचेंगी तो कांग्रेस इस बात से ही उत्साहित है ये सोचकर कि ये जोड़ी सत्ता पक्ष के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। अब देखिए राहुल प्रियंका अखिलेश यादव की अगुवाई में पूरा विपक्ष सरकार को घेरता दिखेगा, तो दूसरी ओर जमीन पर भी तैयारी भरपूर करने की कोशिश है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करने के बाद पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। राजेश लिलोठिया के एक्शन प्लान के मुताबिक कांग्रेस इस मुहिम को देश के दूर दराज के गांव तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेगी और इसी अभियान के तहत अभी तक गांव में करीब 4,00,000 संविधान रक्षक नियुक्त किए गए हैं, संविधान वर्सेस संविधान, जिसमें हर गांव में एक महिला और एक पुरुष को जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस जल्द ही हर गांव में संविधान रक्षक ग्राम समिति का गठन करेगी और साथ ही इसी तर्ज पर शहरी इलाकों में भी संविधान रक्षक और फिर संविधान रक्षक वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस ने दलित आदिवासी बैंकों का आधार बढ़ाने के लिए, वोट बैंक का आधार बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई है। पार्टी को ऐसा लगता है कि इस आम चुनाव में संविधान बचाओ और आरक्षण की रक्षा जैसे नारों से कांग्रेस को काफी फायदा मिला है, जो नजर भी आया। लिहाजा पार्टी आलाकमान ने इस मुहिम को और तेज और मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला किया, पर कहते हैं कि लड़ाई चाहे सियासी ही सही पर छोटी सी चूक हार की गारंटी बन जाती है और ये खतरा इंडिया गठबंधन और खासतौर कांग्रेस के साथ हमेशा है। आने वाले दिन जो अब आएंगे उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव हैं और इस लड़ाई के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस के पास क्षेत्रीय दलों का कुंबा भी है, पर हरियाणा में पार्टी के लिए जाट वोट बैंक की पूरी दावेदारी मुश्किल नजर आती है। अब इसके साथ साथ सहयोगियों जो दल हैं उनके महत्वाकांक्षाएं भी कांग्रेस की चुनौती बढ़ा सकती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस का मोराल जो है वो बढ़ गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जमीन पर कांग्रेस का लोकल नेटवर्क अभी भी कमजोर नजर आता है अगर कंपेयर किया जाए भाजपा से। राहुल गांधी के सिवा इस वक्त कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जमीन पर जो नजर आ रहे हैं और ऐसे में तीन राज्यों में चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने चेहरे की कमी और इंटरनल जो खींचतान है वो एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए होगी, जिसमें हरियाणा का जिक्र करें तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब महाराष्ट्र की बात की जाती है, महाराष्ट्र की बात की जाए तो विपक्ष के गठबंधन में किस पार्टी का क्या रोल होगा ये भी अभी तक तय नहीं हुआ, लिहाजा सीटों को लेकर अंदर जो खटपट है उसके चांस भी बहुत ज्यादा हैं और वो जो चांस है वो भी खत्म नहीं है। कागजों पर बनी रणनीति और जमीनी जंग में बेहद फासला होता है, उसका एग्जीक्यूशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह रही कि उसने जो सोचा ठीक वैसा ही जमीन स्तर पर किया भी गया या नजर आया। अब लड़ाई विधानसभा की है जिसकी तैयारी में नेता नगरी जुट चुकी है, पर नतीजे जनता की मुट्ठी में बंद है, जो खुलने के बाद ही किसी के लिए लाख के होंगे और किसी के लिए खाक। तो तब तक इंतजार का इम्तिहान एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को देना होगा। पर मैं अगले एपिसोड में आपको महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण बताऊंगी, महाराष्ट्र सबसे रोचक राज्यों में से एक, और यह भी बताऊंगी कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के तर्कश में विधानसभा चुनाव के लिए कौन कौन से ब्रह्मास्त्र। पॉलिटिकल कॉरिडोर में मुझे तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।